तो यार हे गाइस, स्वागत है आपसे एक और नई वीडियो में। हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। और जब वापस से खेल ले आग पीसी अपने इन वीडियो जी फोर्स नौ पे। आई नो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद आ रही है, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं। बट यार क्या करूँ, एक टाइम पे भाई गेम खेलने का बिल्कुल मूड ही नहीं कर रहा था, ऐसा समझ लो। और तबीयत भी बीच में थोड़ी सी बिगड़ सी गई थी, तो उसके चलते यार बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार कि गेम भाई बैठ के खेलूँ। और अब एक टाइप से यार बोर सा हो चुका हूँ, क्योंकि यार 2 साल तक मैंने आर्क मोबाइल खेला है और आर्क पीसी में कुछ डिफरेंस है नहीं ज़्यादा। तो यार एक ही चीज़ कर कर के यार लगभग एक से यार बोर सा हो चुका है, ऐसा समझ लोगे। तो मन भी नहीं करता यार आजकल जल्दी खेलने का, बट यार फिर हो जाता है कि भाई चलो खेलते, वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए खेलता हूँ। और सबसे पहले तो ये जान लो कि भाई मैंने जो 20-25 दिन में प्रोग्रेस क्या किया है। ओके, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है डायरवुल्फ की घोस्ट वाली स्किन। ये आपको हेलोवीन इवेंट के दौरान मिली होगी अगर आपने खेला होगा तो, और अब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हेलोवीन इवेंट के दौरान खेले होगे तो आपको ये स्किन ज़रूर से मिली होगी। ओके, तो ये अगर आपको मिली है तो भाई बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमारे पास एक नया आरजी, क्योंकि यार मैं आरजी जो काफ़ी ज़्यादा वीक और स्लो है जैसा कि आपको मालूम है, तो इसलिए मैंने एक नया आरजी टीम के अराउंड 285 लेवल था, तो इसका मैंने लेवल अप किया है, तो अच्छा खासा इसका लेवल अप हो चुका है और डैमेज भी अब अच्छा खासा है। ओके, और यहाँ पर एक थाइला कोलियो है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा होगा कि मैंने एक थाइला कोलियो टीम करूँगा, तो मैंने एक थाइला कोलियो टीम किया है और इसका 447 लेवल हो चुका है और मैक्स लेवल हो चुका है, और इससे ऊपर अब लेवल जाएगा नहीं। इसको मैंने अराउंड 270 या 80 के अराउंड में टीम किया था और काफ़ी अच्छा खासा स्टैट भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास है भाई रेक्स की घोस्ट वाली स्किन। ओके, मैंने हेलोवीन इवेंट चेक करने के लिए खोला था कि भाई क्या क्या है हेलोवीन इवेंट में सॉरी। ओके, तो मुझे भाई ये रेक्स का एक घोस्ट वाला रेक्स मिला था, तो भाई मैंने उसे मार के इसकी स्किन ले ली थी। एक्चुअली बताओ यार, ये घोस्ट वाली स्किन सबसे ओपी स्किन है भाई, क्या दिखती है भाई, मज़ा आ जाता है यार ये। लेकिन एक ही रेक्स मिला तो सैडली हमारे पास एक ही स्किन है। ओके, और मेरे पास कार्नो और स्टीगो के भी स्किन है, बट कार्नो स्टीगो है नहीं, तो क्या करेंगे स्किन रख के, तो रखे हुए स्किन। और ये देखो ब्रोंटो के भी स्किन है स्केलेटल वाला, तो यार ये थोड़ा सा वियर्ड स्किन लगता है यार, ये देख रहे हो ऐसा लगता है डायनोसॉर के म्यूजियम में जो हड्डी नहीं रखी रहती उस टाइप से लगता है, और एक भी हड्डी गिरी पूरा डायनासोर मर जाएगा, ऐसा सीन लग रहा है मेरे को। बट छोड़ो भाई, ये सब हो गई मजाक की बात से। ओके, तो आप आ जाते सीरियस मोड पे, आज की इस वीडियो में हम करने के हवाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले वो है जाइंट क्वीन बी को टीम। ओके, क्योंकि यार हनी की अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही, कुछ चीज़ें बनाने के लिए हनी चाहिए होती है, और हनी यार बार बार रेडवुड में जाकर लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि भाई 5 हनी मिलती है अगर आप गैदर करते हो तो, 5 हनी एक हाइव से मिलती है। ओके, और वो भी भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गैदर करना हनी को, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक जाइंट क्वीन बी को टेम कर लूँ, ताकि हमारे पास अपना खुद का बीहाइव हो जाए और फिर हम खुद की हनी बना पाए। ओके, तो ये बीहाइव को सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जाइंट क्वीन बी को टेम करना इतना भी इजी टास्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वो मैं बताऊँगा क्यों। बट उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा मैं ये आपको बता देता हूँ जाइंट क्वीन बी को टेम करने के लिए। ओके, तो हमें जो है सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी वो होगी बग स्टिमुलेंट, बग रिपेलेंट सॉरी स्टिमुलेंट की बोल रहा हूँ मैं, बग रिपेलेंट, और वो बनता है शायद से केमिस्ट्री बेंच में। यस, वो बनता है केमिस्ट्री बेंच में। ओके, तो इसको पहले मैं देख लेता हूँ इसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए होंगे। ओके, तो इसके बनने के लिए चाहिए होगा रॉक कैरेट, पेल्ट, नार्कोटिक, सिट्रेनॉल, जो कि सब कुछ है मेरे पास जहाँ तक मुझे लगता है। सिट्रेनॉल और रॉक कैरेट शायद से इसमें होना चाहिए। यस, काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को भी नहीं मालूम थे मेरे पास इतने ज़्यादा रॉक कैरेट और सिट्रेनॉल है। ओके, तो मैं पहले इसको निकाल लिया और पहले इसको मैं रख देता हूँ यार, क्योंकि भाई ये ख़राब होते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं। ओके, तो अब मेरे को चाहिए पेल्ट, और पेल्ट शायद से स्मिदी में काफ़ी सारा होगा। ओके, पेल्ट कहाँ पर है, पेल्ट नहीं है क्या, पेल्ट भाई नहीं दिख रहा यार, पेल्ट तो होना चाहिए था भाई, काफ़ी सारा पेल्ट रखा था यार मैंने, इसमें भी नहीं है यार, व्हाट द हेक, इसमें तो एटलीस्ट होना चाहिए यार, इसमें भी नहीं है क्या,
भाई इसमें भी नहीं है यार लिटरली पेल्ट, बहुत सारा मैंने रखा था यार पेल्ट इकट्ठा करके। इसमें इसमें है यार, इसमें एक्चुअली पेल्ट है बट 35 पेल्ट है, वो तो इतने में हो जाए। ओके हमारे पास ह्यूमन एयर है तो आराम से हो जाएगा इतने में तो। ओके 47 ह्यूमन एयर है तो आराम से इतने में हो जाएगा। और नारकोटिक अब हमें चाहिए ना, नारकोटिक इसमें नहीं है, स्मिदी में शायद हो सकता है नारकोटिक, क्योंकि लाइक ट्रैंक डार्ट बनाता हूँ तो नारकोटिक इसमें हो सकता है। इसमें भी नहीं यार नारकोटिक तो, फैब्रिकेटर में भी नहीं है भाई। मेरे नारकोटिक क्या ख़त्म हो गए भाई, इतने सारे नारकोटिक थे यार, पता नहीं कहाँ गए यार नारकोटिक, लगता है वापस से बनाना पड़ेगा। बट पहले इसमें रख देता हूँ ये सारे सामान। ओके और नारकोटिक के लिए हमें चाहिए होगा स्पॉइलमेंट, जो कि मेरे पास होना चाहिए काफ़ी सारा, तो इसमें देखते हैं भाई कितना स्पॉइलमेंट। ओके गाइस तो काफ़ी सारा स्पॉइलमेंट है, मुझे नहीं पता था मेरे पास 4940 स्पॉइलमेंट है। और नार्कोबेरी काफ़ी सारा है, मैं एक्चुअली मॉस शॉप पे लाइक फार्म करने पे छोड़ देता हूँ भाई, वो फार्म करते रहते हैं अच्छे खासे बेरीज। ओके तो ये भाई बेरीज लाइक फार्म करने का सीक्रेट, तो पहले जो है मैं लाइक नारकोटिक बना लेता हूँ, ताकि लाइक बग रिपेलेंट बना पाए। बग रिपेलेंट क्या मैंने खोला नहीं है? हेलो ये बग रिपेलेंट ओपन नहीं किया है क्या मैंने? ओके मैंने बग रिपेलेंट को ओपन नहीं किया है, तो पहले मैं ओपन कर लेता हूँ बग रिपेलेंट को। ओके तो किधर है भाई बग रिपेलेंट? ओके तो भाई ये रहा बग रिपेलेंट, इसको कर लेते हैं ओपन। और मेरे ख्याल से इतने नारकोटिक सफिशेंट होंगे, तो सबसे पहले मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, बाद में बना दूँगा नारकोटिक। ओके तो पहले बनाता हूँ बग रिपेलेंट, देखता हूँ कितने बनेंगे। ओके जितने बन रहे भाई बन जाओ। ओके एक से भाई 6 बन रहे, तो काफ़ी लाइक अच्छे खासे अमाउंट में आ गए हमारे पास बग रिपेलेंट। इतने में तो भाई कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और नारकोटिक अब जितने बनने भाई बन जाओ। ओके तो अब हमने ले लिया भाई बग रिपेलेंट, और अब हमें चाहिए होगा क्रॉस बो। ओके तो क्रॉस बो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हमें लाइक बी हाइव को जो है तोड़ना होगा। ओके तो उसके लिए हमें चाहिए होगा क्रॉस बो, और 100 एरो मेरे ख्याल से सफिशेंट होंगे, इतने एरो में आराम से टूट जाना चाहिए। ओके तो मैं इसको पहले आगे लगा देता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर जो मैंने बग रिपेलेंट को लाइक अपने हॉटबार पर सेट कर लिया है, और अब शायद से हम रेडी हैं जाने के लिए। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, यस मैं रेयर फ्लावर लेना भूल रहा हूँ, एक्चुअली उसी से टेम होगा लाइक जाइंट भी, सॉरी जाइंट भी उसी से ही टेम होगी, तो इसलिए मेरे को पहले रेयर फ्लावर लेने दो। और मेरे पास काफ़ी सारे रेयर फ्लावर थे, मेरे को इतने मालूम नहीं थे यार, 619 रेयर फ्लावर, सीरियसली इतने सारे मेरे को खुद को नहीं मालूम थे यार रेयर फ्लावर। ओके तो इसको मैं भाई अपने टेमिंग स्लॉट पे लाइक सेट कर लिया। अगर आपको नहीं मालूम तो जो आपका हॉट बार का लास्ट स्लॉट होता है ना, वो टेमिंग स्लॉट होता है। ओके तो उसी से लाइक आप कोई भी पैसिव टेम कर सकते हो। ओके तो मैंने इसे अभी अपने टेमिंग स्लॉट पे सेट कर लिया, और एक मैंने नया मॉड लगाया है जो कि है ये डाइनो फाइंडर। एक्चुअली मैंने FMK वाला मॉड हटा दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ रहा था, और इस मॉड से आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे लाइक जितने भी आसपास के क्रिएटर्स होंगे उन सब के नाम और लेवल पता चल जाएंगे। ओके तो ये काफ़ी यूज़फुल मॉड है, अगर आप कोई भी लाइक डाइनो को फाइंड कर रहे हो तो इस मॉड को आप लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मॉड है, काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है यार, किसी भी डाइनो को आराम से आप फाइंड कर सकते हो इस मॉड से। ओके तो यहाँ पर अब हम हो चुके हैं फुल्ली तरीके से रेडी, अब हम निकलते हैं सीधा अपने RG पे बैठ के सीधा रेडवुड की ओर। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जाइंट क्वीन बी को टेम करना इतना हार्ड क्यों है, लाइक मैं क्यों बोल रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ेगा मुझे जाइंट क्वीन बी को टेम करना। ओके गाइस तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बी हाइव दिख रहे होंगे, लेकिन जो है इनमें से सिर्फ कुछ बी हाइव में जाइंट क्वीन बी रहती होगी। इनमें आपको सारे बी हाइव में जाइंट क्वीन बी नहीं मिलेगी, इनमें से कुछ बी हाइव में ही जाइंट क्वीन बी मिलेगी। और वो आपको पता कैसे चलेगा, जैसे अभी मैंने एक लाइक बी हाइव को मारा, तो उनमें से अगर आपको 20 निकल के मारेंगे तो आप समझ जाना कि उसके अंदर जाइंट क्वीन भी है। अगर आपको नहीं मार देगी कोई 20 निकल के तो उसके अंदर पूरा हाइव खाली, ऐसा समझ जाओ। ओके तो मैं इसलिए कह रहा था भाई लाइक जाइंट क्वीन भी को टेम करना इसलिए हार्ड है, और एक तो यार आपको इतने सारे बीआईएस में लाइक मार के टेस्ट करना होगा। और अरे शिट भाई ये क्या है भाई, अरे थाइला गोली कहाँ से आ गई, अरे यार तलवार क्यों नहीं हाथ में, अरे भाई ये क्या खुल रहा है यार, तलवार हाथ में आ जा ना भाई तलवार, अरे यार ये फिर से खुल गया भाई, क्या हो रहा है ये। ओके मेरे RG ने मार दिया भाई, जब तक मैं अपने तलवार को हाथ में ले रहा हूँ तब तक मैं RG मार गया यार, चलो भाई ठीक ही है। एक्चुअली 2 का डैमेज दे रहा था, तो कोई खास डैमेज दिया नहीं उसने, बट यार फिर भी भाई कैसे पकड़ लिया उसका उसने यार,
सीरियसली भाई, ऐसे तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी यार अगर थाइलाकोली हर पेड़ पे मिलेंगे तो भाई। बट कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि भाई जाइंट क्वीन बी को टेम करना इसीलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि आपको हर एक बीहाइव में मार के देखना होगा कि लाइक उसके अंदर जाइंट क्वीन बी है कि नहीं। नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन इतने सारे बीहाइव से दिक्कत यही होती है कि इतने सारे बीहाइव से, ओ भाई किस्मत, तो भाई किस्मत काफ़ी जल्दी मिल गई यार ये तो। ओके तो इनको नीचे मतलब मेरे पास आने दो, फिर इनको मारता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लाइक काफ़ी सारे बीस को मारा। ऐसे ही अगर आपको लाइक क्वीन मिलेगी, मतलब क्वीन भी है, आपको ऐसे ही ढूंढना है। ओके अगर आपके लाइक बीहाइव के अंदर से बीस निकल गया तो आप समझ जाओ उसके अंदर जाइंट क्वीन भी है। ओके तो फाइनली गाइस हमें जो है जाइंट क्वीन भी मिल चुकी है। बट यहाँ पर अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये कि यहाँ पर होने वाली है, अरे शिट नहीं यार ये क्यों खुल रहा है बार बार। मैंने टेलीपोर्टर रिमोट, ये टेलीपोर्टर रिमोट क्यों आ रहा है भाई बार बार हाथ में यार। मैं तलवार को लेना चाह रहा हूँ हाथ में, ये टेलीपोर्टर रिमोट आ जा रहा है बार बार। पहले तो मैं हील करता हूँ यार खुद को भाई, काफ़ी ज़्यादा एचपी जा रही है। एफएमके वाले मॉड से ईजी पड़ता था हील करना, बट यार एक तरह से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था, आपका डाइनो और आप तुरंत हील हो जाते थे, इसलिए मैंने एफएमके वाला मॉड ही हटा दिया है। और अब गाइस होने वाली है रात, क्योंकि देख रहे हो भाई शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है पूरा। तो अब थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई टेम करने में, क्योंकि यार अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, अरे शिट 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 नहीं मैं शिट, ओके हड्डी टूटी, अरे भाई शिट यार। मैं गाइस आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आप अपने टेम के ऊपर बैठे हो और अगर आपको 20 मारेंगी तो आप डिसमाउंट हो जाओगे। ओके तो ये बात मैं आपको बताना भूल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं वापस से मर के स्पॉन हो चुका हूँ। पहले तो मैं ये अपने अंदर से कचरा फेंकता हूँ। ओके और मेरे को अब नहीं लगता जाने का कोई फ़ायदा है, शाम हो चुकी है और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी शायद, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई मैं जाके अभी कुछ कर भी लूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह होने के बाद जाऊँ और आरजी को मैं सोच रहा हूँ कि वही छोड़ दूँ, क्योंकि ऑल दो आरजी मैं न्यूट्रल पे था तो उसे कोई मार नहीं पाएगा क्योंकि अच्छा खासा लेवल है, और एक तरह से आरजी मार्क भी हो जाएगा कि लाइक मैंने बीहाइव वहीं पर देखा था, वरना मैं भूल जाऊंगा लाइक मैंने बीहाइव कहाँ पर देखा था। तो ये भी रहेगा एक तरीके से, मार्क हो जाएगा वो आरजी। तो अब बस सुबह होने का वेट करना है, आफ्टर ऑल काफ़ी लाइक देर तक रात रहती है तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा यार। बट चलो आपसे सुबह में ही मिलता हूँ मैं। ओके गाइस तो यार फाइनली सुबह हो चुकी है और अब मैं सीधा अपने पेट्रोटॉन पे बैठ के निकलता हूँ आरजी के पास, जहाँ पर लाइक मैं मरा था, क्योंकि अपने को बीहाइव, सॉरी मैं जाइंट क्वीन भी बोलना चाह रहा हूँ बट बीहाइव पता नहीं क्यों निकल रहा है। और मैं नीचे रेक्स फाइट किससे ले रहा है, डिप्लो से फाइट ले रहा है, सीरियसली भाई डिप्लो से मेरे भाई डाइनोस फाइट कब से लेने लग गया यार। भाई मान गया भाई, डिप्लो से फाइट ले रहे भाई मेरे रेक्स से सब, अरे भाई। और मैं आरजी यहीं कहीं होना चाहिए, मैंने यहीं कहीं छोड़ा था। ओके वो रहा आरजी शायद से, हाँ वही आरजी। और ओ भाई इस आरजी का कलर, शिट यार बट इसका लेवल 70 ही है यार भाई, क्या कलर है यार उस आरजी का यार, क्या कर सकते भाई, लेवल बड़ा कम है यार उसका, कोई बात नहीं। ओके तो अब सीधा हमें भाई बीहाइव को तोड़ना है ताकि लाइक उसके अंदर से जाइंट क्वीन भी निकले और हम उसे टेम करें। तो शायद से ये बीच वाला ही बीहाइव था ना, इस लाइट के चलते एक्चुअली मुझे पता चल गया कि भाई ये बीच वाला बीहाइव था, वरना दिक्कत होती भाई तीनों में से अब किसको तोड़ूं। तो भाई जा तोड़। ओके ओके तो बीच वाला नहीं है, बीच वाला नहीं है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। ओके भाई वो वाला तोड़। ओके तो ये आरजी रुक क्यों गया यार भाई, तोड़। ओके तोड़ा भाई, तोड़ रहा है तोड़ रहा है भाई, ये रुका क्यों है यार इतनी धीरे क्यों, मैं क्या बोलूं यार इसे, यार ये उधर बैठ के मार खा रहा है भाई, ये मतलब कर क्या रहा है यार। ओके तोड़ रहा है तोड़ रहा है ये, बट ये रुक क्यों गया भाई तू, यार ये ऐसा क्यों कर रहा है यार उसे तोड़ना। ओके तोड़ा यार, काफ़ी ज़्यादा स्लो मार रहा है ये, वापस आके बैठ रहा है। अरे यार ये 20 को मेरे पास ले आया भाई, छोड़ दे। अरे यार ये क्या दिक्कत है भाई इस आरजी की, भाई ये मार नहीं रहा है यार 20 को जबकि न्यूट्रल पे, भाई यार क्या दिक्कत है यार, मार ना ब्रो। ओके मारा यार, अब भी एक दो बचे हुए यार, इसकी दिक्कत क्या है भाई इस बंदे की, यार ये मार अभी भी नहीं रहा है यार, ये देख रहे हो पता नहीं क्या ग्लिच हो रखा है यार, ये क्यों नहीं मार रहा यार। अरे
यार जाओ ना भाई, क्यों दिक्कत दे रहे हो भाई, जाओ ना, ये मरते भी नहीं भाई। ओके ओके, शायद सारे मर गए। अरे यार ये फिर से कहाँ से आ गया यार, ये देख लो भाई, आरजी मार नहीं रहा, लिटरली नहीं मार रहा है। अब न्यूट्रल कर दिया, अब तो मार। किधर भग गए, मर गए क्या वो, पता नहीं यार, ये पता नहीं क्या दिक्कत। अब तू क्यों आ रहा है यार बीच में, अरे यार सब आ जाओ भाई बीच में, भाई जाके तोड़ो उसे चुपचाप। यार ये मार्क नहीं हो रहा, अब ये देख लो, बस यही इसी का दिक्कत होना बाकी था। जाई अब जा चुपचाप तोड़ भाई, फटाफट तोड़ उसे। ओके ओके ओके, तो तोड़ रहा है अच्छे खासे भाई। अब ये क्यों, ये क्या दिक्कत। ओके तोड़ा, ओके देख रहे हो गाइस, उसके अंदर से लाइक जाइंट क्वीन भी निकल रही है, देख रहे हो, देख रहे हो ना, जाइंट क्वीन भी निकल रही है। बस उसको निकालना है और फिर अपने को टेम करना। बट ये आके नीचे बैठ गया यार, ये क्या दिक्कत है भाई तेरी, जाके तोड़ना भाई, जाके तोड़ उसे यार, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी, मुझे खुद ही तोड़ना पड़ेगा यार, नहीं तो वरना बाद में आके बैठ जाएगा फिर से। हाँ भाई अब तू आ जा पीछे, तेरी कमी थी यार, इतना अच्छा कलर है, जाके घूम यार, मेरे से क्यों फाइट ले रहा है भाई, जाके घूमना यार, मर जाएगा भाई। हाँ मर ले, आ जा आ जा, शौक है ही भाई मरने का, तो आ जा यार, इतना अच्छा कलर है भाई, जाके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए, देखो मेरे पास इतना अच्छा कलर है, ये मेरे को आ रहा है मारने, फटाफट से इसे बस तोड़ दूँ मैं। ओके बस अच्छे से टूट जाना ब्रो, अच्छे से दो। ओके ये मैंने कुछ ज़्यादा ही तोड़ दिए गाइस, मैंने जाइंट क्वीन भी को मार दिया है भाई, बस यही होना बाकी था क्या यार। एक तो इतनी मेहनत करो, पहले ढूंढो, अब इस किस्मत से मिल गई मान रहा हूँ, बट अब वापस एक नया बीहाइव ढूंढना पड़ेगा। बट यार दिक्कत इतनी सही है ना इस बीहाइव को तोड़ने के चक्कर में, और अब ये जाइंट क्वीन भी अंदर से भाई मर गई, मैं क्या बोलूँ भाई, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के यार, मतलब अब बैठो यार 2 घंटा अब ढूंढने बैठो बस अब भी है इसको, कि किसके अंदर जाइंट क्वीन भी होगी। मेरे पास क्रॉस वो था भाई, मैं उसे क्यों नहीं यूज़ किया, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम करता भाई ऐसे जगह पर यार, मैं क्या बंदा हूँ भाई। एक तो यार मेरी इतनी किस्मत ख़राब है, ऊपर से मैं दिमाग भी काम नहीं करता यार ऐसी जगहों पर यार, अब बैठो यार 2 घंटा ढूंढने। तो गाइस यार फाइनली भाई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मुझे एक बीहाइव मिल गया जिसके अंदर जाइंट क्वीन भी है। लिटरली मैंने भाई 20 से 30 बीहाइव में हिट किया होगा, तब जाके मेरे को एक ऐसा बीहाइव मिला भाई जिसके अंदर जाइंट क्वीन भी है भाई, एक्चुअली में है, और मैं इस बार रिस्क नहीं लूँगा भाई बिल्कुल भी। तो इस बार मैं सबसे पहले अपना जो ये क्या कहता हूँ बग रिपेलेंट मारूंगा, ताकि लाइक बीस मेरे पे जो अटैक ना करे, और मैं अपने आरजी को कर देता हूँ पैसिव, ताकि भाई आरजी अब वहाँ पे जाके अटैक ना करे। और मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आरजी को ना मैं सामने रख लेता हूँ अपने आरजी को, लाइक मेरे पे 20 अटैक नहीं करेंगे, फिर मेरे आरजी पे अटैक करेंगी, और 2 का डैमेज देती है तो कोई ख़ास डैमेज है नहीं। और अब तोड़ते क्रॉसबो से इसे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि 5K की हेल्थ है, नहीं 5K ही नहीं, आरजी से मैंने मार के थोड़ी कम कर दी है, बट कोई बात नहीं। और यार ये 2 का डैमेज दे रही है, बट यार कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दे रही भाई, ये कहाँ से आ गई यार। अरे ये क्राउच क्यों है भाई, अरे शिट क्या लैग था भाई ये। भाई हाँ अब तू भी आ जा, अब सारी दिक्कतें साथ में भाई, बैठ जा आरजी पे यार। अरे बैठ क्यों नहीं पा रहा मैं, अरे भाई ये क्या दिक्कत है यार, शिट यार ये आरजी पे मेरे को पहले बैठने दो यार। ओके ये ख़त्म, अरे यार ये फिर क्यों हो रहा है भाई ऐसा, मर तो गई सारी 20। ओके तो अब वो टेरबट किधर गई भाई, किधर भग गई पता नहीं। ओके गाइस तो फाइनली यहाँ पे सब क्लियर हो चुका है, सबको मार दिया है, और अब जस्ट ये बीहाइव तोड़ना है। इसको तोड़ने में लिटरली यार काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है, क्रॉसबो से यार 175 का डैमेज जा रहा है, जो कि यार बहुत ज़्यादा कम है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा यार। 5K मतलब 3.8K की हेल्थ है ऐसा समझ लो, और ये 20 इसको अटैक कर रही है और कुछ ज़्यादा डैमेज दे रही है। मैं काम करता हूँ डायर बियर को बुला लेता हूँ ना, हाँ डायर बियर को बुला लेता हूँ, ताकि लाइक 20 इसे मारे तो डायर बियर लाइक अटैक करे, और ये भाई आपके साथ ही अटैक कर रहा है भाई, ये होना ऐसा बंदा होना चाहिए यार। और डायर बियर रहेगा तो भाई अटैक लाइक मेरे पे कोई कोई करेगा तो डायर बियर उसे मारेगा, और आरजी भी सेफ रहेगा। ओके तो आरजी को मैं अब न्यूट्रल भी नहीं करूँगा क्योंकि अब डायर बियर आ गया है, और न्यूट्रल आरजी को करूँगा तो उड़ के भाई पता चला उस बीहाइव को ही तोड़ने चला जाए,
और डायरबियर है यहाँ पे, तो भाई वो लाइक ज़मीन पे ही रहेगा तो बीआईएफ को तोड़ नहीं पाएगा, तो ये भी अच्छी बात है मेरे लिए। तो अब जस्ट उस बीआईएफ को तोड़ना है, चिंता मेरी ख़त्म हो गई है, 20 से छुटकारा मिल गया है और बस अब वो टूट जाए। 1.6K की हेल्थ बाकी है बस। ओके ओके टूट रहा है भाई। 1.5K, ओके 1.3K की बची है बस। ओके 1.1K की बची है भाई, बस टूट जाए यार जल्दी। मैं डायरीवर एक्चुअली मैं उधर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट ले रहा है यार, मैं देख रहा हूँ भाई काफ़ी सारा बीज मार रहा है यार वो। ओके मेरे को एक लगा, एक टाइम तक लगा भाई मेरे पर जाइंट क्वीन भी आ रही है यार, जिस तरीके से वो आई सामने। ओके 200 की हेल्थ बची है, 2 एरो में टूट जाएगी। 84 की हेल्थ बची है। ओके ये टूट चुका है। ओ भाई जाइंट क्वीन भी आ गई भाई। पहले मैं अपने डायनोस को पैसिव करूँ वरना वो उस पर अटैक ना कर दे। ओके 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 पर इन बीस को मारने दो यार, ये बीस को मारने दो भाई, काफ़ी दिक्कत देंगी ये पहले। ओके सारी बीस खत्म होगी शायद से, यस। ओके तो अब जस्ट इस जाइंट क्वीन भी को टेम करना है और फटाफट यहाँ से निकलना है। ओके तो किधर है भाई तू? ओके ये बच्चे पैदा करे जा रही है भाई कितनी स्पीड से, सीरियसली। और ये इतने ओके आई नीचे भाई। अरे यार ये क्यों एग्रो हो गई भाई मेरे ऊपर? मैंने बग रिपेलेंट लगा रखा है ना। ओके मेरे को, मेरे डायनो को कोई मार रहा है? बट कौन? डायरेक्टर सेफ है। ओ भाई आरजी को मार रहे हैं लिटरली, पहले इन सबको मारने दो के। अरे यार ये मेरे को ट्राईपॉड करने दो यार, ये दिक्कत हो रहा है भाई। अरे यार उधर कौन मार रहा है डायरेक्टर को? सेबर टूथ कहाँ से आ गया भाई? अरे यार इनको पहले ट्राईपॉड करने दो। हाँ भाई आ जा भाई, आरजी भी ओ शिट यार ये 190 लेवल का भाई, ये कहाँ से टपक पड़ा है यार? जा ना भाई काम कर, अब सारी दिक्कतें आनी है भाई, अब सारी दिक्कतें आनी है। और ये भाई ये उधर क्यों उड़ रही है यार? इस तरफ उड़ना यार। एक तो यहाँ इतनी झाड़ियाँ हैं कुछ दिख नहीं रहा, और ये ऊपर से उतने हाइट पे उड़ रही है, कैसे टेम करूँ भाई इसे मैं? अरे यार क्या दिक्कत है भाई। हाँ भाई पेगो मास्टर, अब इसका ही दिक्कत था ना, ये अब कुछ चुरा के लेके जाएगा। ओके ओके भाई बस हो जा हो जा हो जा हो जा ब्रो हो जा। अरे ये किसने हिट किया क्या भाई? कमीना भाई सीधा रेयर फ्लावर चुरा के भाग रहा है भाई, इसकी माँ की आँख। रुक साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं, रुक 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 रुक। हाँ भाई हिट भी नहीं लगने है, अब तो बस इसी की दिक्कत थी भाई, अब तो हिट भी नहीं लगेगा इसे। अरे यार क्या लैग है भाई किधर? ओके ओके मर गया भाई। लाश किधर गई इसकी? अबे लाश किधर गई भाई? वाह भाई ये सीन होना था, लाश किधर गई भाई? दिख जाना। ओ ये रही भाई, पता नहीं दिखी नहीं रही थी। ओके भाई रेयर फ्लावर मिल गया भाई, ये दिक्कत हो जाता भाई अगर ये लाइक हार्वेस्ट मतलब खा लेता अगर रेयर फ्लावर, तो दिक्कत हो जाता है यार इस इनसे तो भाई बच के। अरे वाह अब इसी की भाई। हाँ भाई तू भी मार ले, आ जा मैं खुला रखा हूँ भाई, आ जा सब मार लो भाई आ जाओ। मतलब क्या परेशानी है यार, टेम करने आया हूँ बस टेम करने दो ना। वाह भाई आँख के सामने शॉट नहीं लग रही। हाँ भाई मत मार। ओ वाह देख रहे हो, मतलब क्या बोलूं भाई क्या ही बोलूं, देख रहे हो कितना दूर फेंक रहा है लाइट मार के भाई, कितना दूर फेंका उसने। अब तुमसे दिक्कत ना मिले बस यार। वो रही भाई क्वीन भी, बस टेम हो जाए यार, बस टेम हो जाए यार, बहुत दिक्कत हो रहा है यार। एक तो यहाँ इतने झाड़ है, झाड़ में घुसी जा रही है और अपने बच्चे ऐसे पैदा कर रही है जैसे मजाक है यार। हाँ भाई अब आ जाओ वापस से, क्यों एग्रो हो रही है भाई तू? मेरे से मत डरना, मैं तेरे को टेम करने आया हूँ, अपने बच्चे को शांत कर लेना, मैं दूर भाग जाता हूँ, एक काम करता हूँ भाई इनसे फिर छुटकारा ही मिल जाए शायद। ओके अब भाई अब भी गुस्सा है भाई, आ जाओ यार मारना ही पड़ेगा। ख़त्म, किधर गई भाई अब क्वीन भी? अरे यार आवाज़ तो आ रही, वो रही। ओके बस टेम हो जा। हाँ भाई अब झाड़ के उस तरफ ही जाना है, मतलब जब भी खुले में, ये कभी देखा ही नहीं मैंने इसे, झाड़ के अंदर ही घुसी रहती है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार इसकी। हाँ यार अब तो खुले में जा यार, खुले में जा भाई, झाड़ के अंदर मत घुस बस। अरे यार भाई क्या दिक्कत है यार, उसे फीड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ भाई, उसे फीड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा उतने क्लोज रह के भी। अरे तो यार इन्हें ख़त्म करने दो भाई, पता नहीं इनकी दिक्कत क्या है यार, छेड़ थोड़ी रहा हूँ भाई उसे, छेड़ थोड़ी रहा हूँ उसे, टेम करने आया हूँ, टेम कर लेने दो ना भाई मेरे। अब किधर चली गई यार? हाँ भाई अब आ जा। वाह एक तो मार रहा है भाई ऊपर से, इतनी दूर फेंक रहा है, वाह भाई मतलब क्या बोलूँ भाई, दिक्कतें ख़त्म ही नहीं होती लाइफ में यार। कहाँ है भाई आवाज़? ओके रही भाई, आवाज़ आ रही थी वही मैं बोलूँ। ओके
यार ये इतने बच्चे क्यों पैदा कर रही है भाई, मत कर ना भाई, मत कर, बस टेम हो जाए यार तू, तेरे को अच्छे से घर बार दूंगा भाई, बस टेम हो जाए यार। ओके 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 हो रही है, ओके ओके भाई क्या तो था फीड, सीरियसली भाई, वाह यार मैं वाई दाबा था भाई ये, बट फीड ही नहीं हुआ, मैं क्या बोलूँ भाई, गेम में ग्लिचेस बड़े हैं बड़े यार। एक तो मरती भी नहीं यार ये, पता नहीं किस बात का भाई, इतना अच्छा लेवल है क्या इनका, जो एक तलवार के वार में भी नहीं मर रही है, पता नहीं यार भाई ये क्या दिक्कत है यार, उतनी दूर क्यों उड़ रही है, पास उड़ भाई, अगर मारना ही है तो पास उड़ के मारना। अब वो किधर गई यार, ये कहाँ फंसा पड़ा हूँ मैं। हाँ भाई ये तीन तीन पैगो मास्टर, बस इसी की कमी थी, नहीं चुरा के भाई रेयर फ्लावर लेके भागा, कुत्ता कुत्ता है भाई, एक नंबर का मार दिया शायद मैंने ना। यस भाई किसके अंदर है रेयर फ्लावर, तीन तीन पैगो मास्टर्स है भाई रियली, किसके अंदर है यार, इसके अंदर तो इन्वेंटरी नहीं खुल रही, इसके अंदर भी नहीं खुल रही। अरे यार अब क्या किया भाई मैंने, भाई सच बताओ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है यार। हाँ भाई आ जा भाई तू, आ जा भाई सब मार लो, आओ भाई नहीं हो रहा टीम, मैं समझ गया भाई, वो देख रहे हो वो सीधा भाग रही है अब सीधा स्ट्रेट, और ये देखो भाई इनके अंदर भाई पता नहीं रेयर फ्लावर है ही नहीं कहाँ। हाँ अब तू भी आ जा, बस इसी की कमी थी भाई। अरे यार मैं क्या बोलूँ भाई इस गेम को भाई, नहीं खेलना भाई नहीं खेलना, इरिटेशन हो रही है भाई अब सच बताओ, बहुत ज़्यादा बुरी वाली इरिटेशन हो रही है अब इस गेम से यार। टेम करने आऊँ टेम की जगह अब सब कुछ हो रहा है इस गेम में, टेमिंग करने की जगह सब कुछ हो रहा है, रेयर फ्लावर चोरी करके भाग गया यार, अब कहाँ से लाऊँ रेयर फ्लावर, वापस कलेक्ट करना पड़ेगा यार स्वैम्प एरिया में जाके, भाई नहीं हो रहा भाई इस वीडियो में टेम यार, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। हाँ अब तू भी आ जा भाई, मर ले ओ भाई, मेटल की पिक लेके भागा कुत्ता भाई, तू क्यों खड़ा है, तू भी कुछ चोरी कर ले ना, क्यों नहीं कर रहा भाई, कर ले कुत्ते का पिल्ला भाई, नहीं हो रहा भाई, अब वो भग भी किधर गई पता नहीं, जाइंट क्वीन भी पता नहीं किधर गई यार, नेक्स्ट वीडियो में ही शायद टीम करूँ यार अब, तो यार चलता हूँ फिर भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे, पहले इसको मार के असेंडेंट की पिक ले लो यार, नेक्स्ट वीडियो में गाइस देखते भाई टेम करने का इसे, चलो फिर भाई गुड बाय यार, देखता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना छोड़ ही दूँ भाई, नहीं टेम करूँ।